हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और आज आपके लिए बहुत आसान सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, और ये आप जेंट्स स्वेटर पर डाल सकते हैं, लेडीज़ पर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे और प्लस 3, 4 के मल्टीपल प्लस 3 और प्लस 2, 2 आपके एक ये और एक इस एच के लिए, दोनों साइड के लिए। तो बाकी आपके 4 के मल्टीपल प्लस 3 होंगे और लास्ट में 2 फंदे आपके एक्स्ट्रा होंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, पहली लाइन है सीधी साइड में, इसको हम पूरा सीधा बुनेंगे। सारे फंदों को, पूरी लाइन को सारे फंदों में सीधा बनाएंगे। ये सीधा बनाया। अब सेकंड रो है, उल्टी साइड में एक फंदा तो उतारेंगे। अब इन 3 फंदों में हमें डिजाइन बनाना है, तो 3 फंदों को हम साथ में लेंगे इस तरीके से। 3 फंदे साथ में बनाएंगे और 3 फंदे निकालेंगे इससे। तो एक बार बनाया, पहले उल्टा बनाना है इसको, क्योंकि उल्टी लाइन ही है ये। तो इस तरीके से पहले एक बार बनाया, फिर एक बार धागा लपेटना है और एक बार और बनाना है, इसी में डालना है, नहीं 3 में। ये देखिए, इनको एक बार सही से बनाएंगे ताकि यहाँ पे फंदे कम ना हो। ये देखिए, एक बार बनाया ऐसे, धागा लपेटा और एक बार फिर से इन्हीं में डाल के एक फंदा और निकाला, ये इस तरीके से। अब आगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये 4 फंदों का डिज़ाइन है, 4 हो गए। आगे यही करते हुए जाएंगे। देखिए, इन 3 फंदों को साथ में बनाएंगे, उल्टा ऐसे, एक बार बनाया, धागा लपेटा, एक बार और बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर इन 3 फंदों में, ये देखिए 3 फंदे हैं, साथ में लेंगे। एक बार इनको ऐसे बनाया, धागा ऐसे लपेटा और एक बार फिर से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से पूरी लाइन को बनाएंगे लास्ट के फंदे तक ऐसे, एक फंदा उल्टा। फिर देखिए, लास्ट में आपके पास 4 फंदे बचेंगे, उसमें से 3 फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं। धागा लपेटा, एक बार फिर से बनाएंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना देंगे। अब तीसरी लाइन को पूरा सीधा बनाएंगे। तीसरी लाइन सीधी साइड में, और सीधी साइड की जितनी लाइन है उनको हमने प्लेन सीधा सीधा बनाना है। देखिए, 3-3 फंदे हमारे अलग हो रहे हैं। ये 3 फंदों का पैटर्न है, सॉरी 4 का पैटर्न है, लेकिन ये 3 हम साथ में बना रहे हैं, 1 2 3। ये देखिए, फिर एक फंदा ये सीधा था, उधर से उल्टा, इधर से सीधा। तो ये सारी लाइन को हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइट बुनते हैं तो इस लाइन को आप थोड़ा सा ढीला बुनेंगे, ताकि आपको बैक साइड में बुनने में आसानी हो। ऐसे बनाया। अब थर्ड रो है उल्टी साइड में, एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। ये देखिए, अब यहां से शुरू होगा पैटर्न। इन 3 को ऐसे लेंगे, साथ में बनाएंगे, एक बार धागा लपेटा, एक बार और बनाया, ये इस तरीके से बनेगा। फिर से अब इन 1 फंदा उल्टा आएगा, फिर देखिए 1 2 3, इन 3 को लेंगे, एक बार बनाएंगे, धागा लपेटेंगे, एक बार और बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इन 3 को लेंगे
ऐसे साथ में बनाएंगे, धागा लपेट के फिर एक बार बनाएंगे और एक फंदा उल्टा। फिर तीन फंदों में सिलाई डाल के तीनों को बनाएंगे, एक बार धागा लपेट के बनाएंगे ऐसे। और लास्ट के तीन फंदे उल्टे, ये आपकी तीसरी लाइन पूरी हो गई उल्टी साइड में। अब सीधी लाइन चौथी लाइन है सीधी साइड में, इसको पूरा सीधा बुनेंगे। चार ही लाइंस का वैसे ही डिजाइन है। फिर से आपकी सीधी साइड में पहली रो शुरू हो गई है, जैसे हमने पहली लाइन को बनाया था पूरा सीधा वैसे ही आ गया है। तो जिस तरीके से हमने बनाया है वो चार लाइंस हैं, लास्ट तक जो उल्टी साइड हमने अभी बनाई है वो चौथी लाइन थी, और ये आपकी फिर से पहली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ये पूरी लाइन को सीधा बनाएंगे, तो इस तरीके से आपका उल्टी साइड में डिजाइन डलेगा, सीधी से लाइन जो है सीधी बनेगी हर बार। ये देखिए इस तरीके से पैटर्न आएगा, और बहुत आसान सा डिजाइन है, बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद, इस तरीके से आएगा। तो फिर बैक साइड में हम वैसे ही करेंगे, तीन फंदों को साथ में बनाएंगे, और ये जो है इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से देखिए। तो फिर बनाइए, डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।